हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज हम आड़ लैकादि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दो मिनट। आड़ के बारे में, ठीक है। आड़ लैकादि, ठीक है। आड़ लैकादि को कैसे लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे आड़ के बारे में क्वेश्चन, जी सर आड़ हमें नहीं, कैसे इसे कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं वो बताइए, किसी क्या होता क्या है। तो ये लैकारी है, आड़ क्या है, एक लैकारी है। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले आड़ जो हम आज लिखना सीखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसको चलिए, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है तो मैं उसमें देखते हैं। देखिए, मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आड़ लिखना, ठीक है। अभी आड़, इसका सूत्र जो है को बटा मैं, ठीक है, को बटा मैं। देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है। देखो, को का मतलब जो है यहां पे लिखा हुआ है, को का मतलब, ठीक है, वो है जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर, ठीक है। और मे का मतलब जितनी मात्राओं में लिखना है वो नीचे, ठीक है। जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर, और जितनी मात्राओं में लिखना है या शो करना है, जितनी मात्राओं में, हम शो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जितनी मात्राओं में उसे शो करना है वो लिखेंगे हम नीचे, ठीक है। अब आड़ क्या होती है, 3/2, इसे हम आड़ कहते हैं। आड़ को जो लिखते हैं हम, वो लिखते हैं हम कैसे, एक सही 1/2, ठीक है। लेकिन इसे हम बट्टे में हमें करना पड़ता है, तो इसलिए हम 3/2 हो जाता है। कैसे होता है 3/2? देखो, ये 2 जो है इसको 1 के साथ इंटू करते हैं, तो 1 को 2 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और ऊपर वाले से जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, ठीक है, 1 से। तो 2 और 2 1 2 1 3, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे इंटू करके ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 3, नीचे आ रह जाएगा 2। तो इसको हमने क्या कर लिया, बट्टे में कन्वर्ट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है पहले आप ये इतनी चीज समझ चुके हो। फिर से बता देता हूं, उसका सूत्र याद रखोगे तो ये बहुत इजी है। जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर, और जितनी मात्राओं में शो करना है वो नीचे, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1.5 गुण, इसको 1.5 गुण कहते हैं, हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां से जो पूरा पैटर्न है, 1.5 गुण इसे कहते हैं, और 1.5 गुण क्या होता है, 3/2। इतना तो आप समझ गए। अब कोई भी ताल हो उसे हम ले लेंगे। ये देखो, ये इस ताल पे मैंने इसे समझा रखा है। मैंने इसकी ना एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में क्या हुआ, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, तो मैं उसको किस तरीके से रखूं, बनाई वीडियो उसमें दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे ऐसे लिख के करना पड़ा, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ताल ले लेंगे, कोई भी ताल ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे चलिए, हम ना इसको एक ताल ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं दादरा ताल ले लेते हैं, ठीक है। 6 मात्राओं की होती है दादरा ताल, ठीक है। अब दादरा ताल क्या है, देखिए, धा धिन ना धा तिन ना, ठीक है, ठीक है। अब इसे धा धी ना भी कह सकते हो, और धा ती ना भी, ठीक है। इसे कुछ लोग बोलते हैं धा धी ना धा ती ना, कुछ लोग धा धिन ना धा ती ना, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा ठीक करने दीजिए, ठीक है। अभी अब ये ताल तो आप समझ ही गए हो। अब इसमें जो हमने इसका आड़ क्या है, ये है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे,
जब हम इसे लिखेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम दो मात्र अवग्रह लगाएंगे इसमें, जो ताल लिखे उसे दूर दूर हम लिखेंगे क्योंकि हमें अवग्रह की जरूरत पड़ेगी, और इसमें जो नीचे जो है ये इस में, इसे मैंने भी आपको बताया था ना, इस सब को हम दो दो मात्रा काल में बदलेंगे, तो यहां पे हम अवग्रह लगा लेंगे, ठीक है, अवग्रह लगाएंगे, ठीक है, दो मात्रा काल, अवग्रह अवग्रह अवग्रह, समझ गए। तो ये हो गया दो मात्रा, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, ठीक है, दो मात्रा काल में हो गया ये। अब हमें क्या करेंगे, जो ऊपर है, तीन है ना ऊपर, तीन को हम गिनेंगे और एक मात्रा काल में लेंगे, इसे हम नीचे वाले को तो कर लिया दो मात्रा काल में, अब जो ऊपर है उसे क्या करेंगे, एक मात्रा काल में हम करेंगे। तो देखिए एक, देखिए मैं ऊपर इसके बिंदी लगाते जा रहा हूं जिससे आप समझ जाना, एक दो तीन, ठीक है, फिर एक दो तीन, ठीक है, फिर एक दो तीन, ऐसे पीछे से हमेशा गिनते हैं, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है। अब क्या हुआ ये, अब ये कितनी मात्रा होगी, एक दो तीन चार, ठीक है, चार हो गई। अब आपको क्या करना है, कितनी मात्राएं बची इसमें, दो मात्राएं बच गई है ना, तो उसे हम इसके आगे लिख देंगे, धा धा धी, ठीक है, या धिन, ठीक है, धा धी, ये देखो हमने इसे आगे लिख लिया, ठीक है। अब जो है ये क्या बन गया, ये दो मात्रा और ये चार मात्रा है, तो ये क्या होगी, संपूर्ण छह मात्रा हो गई। तो अब हम इसे क्या करना है, इसे हमें यहां से इसका विभाग बना लेना है, ठीक है, इसका सम हो गया, ये खाली हो गया। अब क्या हुआ, देखिए ये इसकी एक मात्रा है, ठीक है, ये इसकी एक मात्रा है और ये इसकी एक मात्रा है, तीन हो गई, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ये इसकी एक मात्रा, ये इसकी एक मात्रा और ये इसकी एक मात्रा, धा धी ना, ये ना हो जाएगा, ठीक है, धा धी ना धा ती ना, समझ रहे हो, धा धी ना धा ती ना, तो ये हो गया आपका आड़। अब देखिए इसको, इसका मतलब कैसे होगा, ठीक है, इस यहां पे वो ही मैंने किया है, देख रहे हैं, पहले इसे मैंने क्या किया, एक मात्रा काल में यहां पे अवग्रह अवग्रह लगाया, धा धी ना धा ती ना, सब में एक एक मात्रा लगा दिया, और फिर तीन तीन करके इसे मैंने क्या किया, मिला दिया। कितनी मात्रा काल में किया, नीचे वाले को हमने किया, आपको मैंने पहले ही बताया था एक चीज कि जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर, जितनी मात्राओं में शो करना है वो नीचे, ठीक है, तो जितनी मात्रा में हमें शो करना है वो नीचे लिख किया हमने, नीचे लिख दिया, अवग्रह लगा दिया और शो कर दिया, फिर धा धी कर दिया, ठीक है, फिर हमने यहां पे एरो किया और तीन तीन करके मिला दिया, और जितनी मात्राओं को में उसे लिखना है तो एक एक मात्रा हमने ऐसे यहां पे कर दिया, और ये बन गया आपका, दो दो मिनट, आपकी आड़। अब इसे हम कैसे समझे कि ये सही है कि नहीं, इसे हम समझे कैसे, तो देखो क्या हुआ है इसमें, दादा ताल की आड़ की लयकारी दो मात्रा बाद लिखने पर चार मात्रा काल में पूर्ण होगी। इसका यही मतलब है कि दादा ताल में आड़ की जो लयकारी है वो दो मात्रा के बाद लिखने पर, ये देखो दो मात्रा के बाद, ये दो है ना मात्रा, दो मात्रा के बाद लिखने पर चार मात्रा काल में पूर्ण होगी, ठीक है। अब प्रूफ कैसे किया हमने, दो प्लस चार इजिकल टू सिक्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा आंसर आया है वो भी सही है, जिस तरीके से हमने किया है वो भी सही है। तो ये था आपका आड़, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
फिर से मैं एक बार बता देता हूं, फिर से समझ लो इसका सूत्र, समझ लो सूत्र है इसका। देखो को का क्या मतलब है, जो ऊपर है, जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर, जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर, और जितनी मात्राओं में शो करना है, जितनी मात्राओं में शो करना है वो नीचे, ठीक है। तो वही सेम किया हमने, क्या देखिए है ना, जितनी मात्राओं में लिखना है वो ऊपर, जितनी मात्राओं में शो करना है, तो हमने यहां पे शो किया ना, देखो धा के साथ दो दो मात्रा काल में हमने सबको बदल लिया, ठीक है, दो दो मात्रा काल में, मतलब देखो धा के साथ अवग्रह लगा दिया, फिर धा धी के साथ अवग्रह लगा दिया, ना के साथ अवग्रह लगा दिया, धा के साथ अवग्रह लगा दिया, दो दो मात्रा काल में सबको बदल लिया, ठीक है। सर मात्र की दो है, अगर चार होता तो चार करते है ना, जो भी होता तो वैसे ही करते। उसके बाद तीन मात्रा काल में हमने बदला, तीन मात्रा काल में जब भी बदलोगे तो पीछे से बदलोगे हमेशा, आगे से बदलोगे तो बेकार हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तीन तीन करके एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो कितनी मात्रा हो गई, एक दो तीन चार, दो मात्राएं रह गई, वो हमने धा धी आगे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये मैं मिटाता हूं थोड़ा, उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, ये हो गया क्योंकि तीन मात्रा हो गई, अब इसका जो विभाग है वो तो बनाओगे ना, धा धी ये हो गया ना, ये धा ती ना, ठीक है, फिर ये बनेगा, ऊपर वाला नहीं बोलोगे, फिर ये बोलोगे धा धी ना धा ती ना, ये हो गया आपका सम, ये हो गया आपका खाली, ठीक है। इसको मैंने प्रूफ करने के लिए आपको बता ही दिया था, दादा ताल की आड़ की लयकारी दो मात्रा बाद लिखने पर चार मात्रा काल में पूर्ण होगी, चार प्लस दो प्लस चार बराबर छह। तो ये है आड़ की लयकारी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताना सर समझ में आ गया, ढंग से वीडियो को देखना, क्योंकि ये थोड़ा आड़ कुआड़ ब्याड़ ये थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए अगर अच्छे से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या आपको बताया है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, एक नोटबुक आपको ले लेना है, उसमें आपको कोई भी जो भी आपको सबसे आसान ताल लगती है उसको ऐसे ही लिख के उसकी आड़ निकालो, जैसे कहरवा हाँ, जैसे तीन ताल, जैसे रूपक, जो छोटी ताल हो उसमें करके देखो हाँ, तो जो आएगा वही उसकी आड़ होगी, ठीक है। और मैंने इसको अच्छे से आपको बता दिया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ फिर हम, आप बोलोगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आड़ सर आड़ बताइए, आड़ लयकारी कैसे लिखेंगे, क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आड़ कुआड़ ब्याड़ सब मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, और आप ऐसे ही बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो को बनाता हूं ताकि आप तक चीजें पहुंच पाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और बाकी ऐसे ही बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू एवरीवन। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से, ठीक है, तो यहां से भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर जुड़ना है तो वहां पे जितनी प्राइवेट जॉब आती है, गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है, जितनी भी चीजें होती है वहां पे म्यूजिक से रिलेटेड, वहां पे काफी लोग जो 200 के करीब लोग 215 के करीब बच्चे जुड़ गए हैं, तो आप वहां पे अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम वहां पे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे मतलब कि होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू एवरीवन।